आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स लिपिड आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली इनसोलिबल इन वोटर बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट जो लिपिड है वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि इंसोलिबल होते हैं वोटर के अंदर और सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफोम एसिडोन ईथर और बेनजी इट कंटेन ए कार्बोक्सिल ग्रुप जो लिपिड हैं, उनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है लिपिड्स आर नोट ए पॉलीमर जो लिपिड्स हैं वो पॉलीमर नहीं हैं लिपिड आर द वैक्सी ग्रीसी एंड ऑयली मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी जो लिपिड्स हैं वो हैं वैक्सी ग्रीसी और ऑयली मॉलिक्यूल्स हैं जो है, है कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर दे आर एच2ओ इनसॉल्युबल जो लिपिड्स हैं, वो वाटर इन्सोलिबल हैं, मतलब जो उनका नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है एंड दिस प्रॉपर्टी इज पुट टू ग्रेट यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू। लिपिड कैन बी नॉर्मली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल यूजिंग नॉन पोलर सोलवेंट सच एज क्लोरोफॉर्म और बेनजिन दे अपेयर टू सर्व सेवरल जनरल फंक्शन इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स एज स्ट्रक्चरल कॉम्पोन ऑफ मेम्ब्रेन एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबोलिक फ्यूल एग्जाम्पल फैट एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबोलिक फ्यूल एग्जाम्पल फैटी एसिड्स एज प्रोजेक्शन अगेंस्ट शोक एंड इंसुलेटिंग एजेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यू अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड देयर आर फोर मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स फैटी एसिड ग्लिसराइड्स नॉन ग्लिसराइड्स लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर आते हैं सैचूरेटिड और अनसेचुरेट फैटी एसिड्स ग्लिसराइड्स के अंदर आते हैं ग्लिसरोल कंटेनिंग लिपिड्स नॉन ग्लिस लिपिड हैं स्फिंगो लिपिड स्टीरोइड और वैक्सीज और कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर आते हैं लिपोप्रोटीनस और ग्लाइकोलिपिड्स अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स फैटी एसिड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड एंड सर्व एज कॉन्स्टिट्यूट इन ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड जो फैटी एसिड है वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड की फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन फोर टू थर्टी सिक्स कार्बन लॉन्ग विद वन कार्बोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड इन बायोलॉजिकल सिस्टम यूजअली कंटेन एन ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिक्कसटीन एंड एटी कार्बन फैटी एसिड्स आर मोस्ट कॉमन जो फैटी एसिड हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर यूजुअली कंटेन करते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और जो 16 और 18 कार्बन फैटी एसिड्स हैं वो क्या हैं मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स जो फैटी एसिड हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड्स अब हम देखते हैं सैचूरेटेड फैटी एसिड सेचूरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बोन प्रजेंट नहीं होता दे आर जनरल फॉर्मूलाइज सी एच थ्री सी एच टू एन और सी डबल ओ एच मतलब जो एन है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मिथाइलिन मिथाइलिन ग्रुप बिटवीन द मिथाइल एंड कार्बोक्सिल कार्बन इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ल्यूरिक मायरिस्टिक पाल्मिटिक एंड अदर्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अब हम देखते हैं फैटी फैटी एसिड्स एसिड्स जो unsaturated fatty acids हैं उनके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको हम मोनो अनसे और पोली अनसेटेड भी बोलते हैं द डबल बोन्ड इन नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड और जनरली इन इनिस एज अपोज टू ए ट्रांस ट्रांसकनफिग्रेशन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस ट्रांसकन्फिग्रेशन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिफिग्रेशन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस कन्फिग्रेशन अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स एशेंशियल फैटी एसिड आर दोज फैटी एसिड्स विच आर नॉट सिंथिसाइज बाई एनिमल्स एंड मस्ट बी ऑबटेन फ्रॉम डाइट इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा सिंथिसाइज नहीं किए जाते इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं

आर द मेन कॉन्सटीट्यूंट्स ऑफ बॉडी फेट इन ह्यूमस एंड अदर एनिमल्स जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या है मेन कॉन्सटीट्यूंट्स हैं ऑफ़ बॉडी फेट इन ह्यूम्स एंड अदर एनिमल्स दे ऑल्सो प्रजेंट इन बॉडी ब्लड टू एनेबल द बाई डायरेक्शनल ट्रांसफरी ट्रांसफेरेंस ऑफ एडिपोस फैट एंड ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर एंड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूम स्किन ऑयल दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राईग्लीसाइड्स विद डिजन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेटेड अब हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट्स आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन ओल अवेलेबल प्लेस वेयर हाइड्रोजन एटम कुड बी बॉन्डेड टू कार्बन एटम दीज है फैट्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है ज्यादा है एंड आर मोर लाइकली टू बी सोलिड एट रूम टेम्परेचर और ये सोलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर अब हम देखते हैं अनसेचुरेटेड फैट अन फैट इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है लोअर है आर मोर लाइकली टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आज का हमारा टॉपिक इतना ही था वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना